हेलो, दिस इज़ रितिका गोयल फ्रॉम चारू क्रिएशन. टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन ऑर्गेंजा फैब्रिक. तो ऑर्गेंजा फैब्रिक की डिमांड पिछले बहुत दिनों से आ रही है और लोग कह रहे हैं कि उसकी वीडियो बनाइए जिसको वो देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऑर्गेंजा फैब्रिक क्या है और वो कैसा होता है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम वो वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेंजा फैब्रिक क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेंजा अच्छा है और कौन सा ख़राब है, कितने टाइप के ऑर्गेंजा फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो. तो सबसे पहले कि ऑर्गेंजा फैब्रिक है क्या. ऑर्गेंजा फैब्रिक एक शीर फैब्रिक है, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में और आप हमारे आसपास देख सकते हो, हमने सब जगह ऑर्गेंजा फैब्रिक लगाया हुआ है. तो आप उसे देख सकते हो कि ये एक शीर फैब्रिक है जिसको वेडिंग में और डेकोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है सिल्क ऑर्गेंजा. तो सबसे पहला जो मेन ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है वो सिल्क ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये बहुत नेचुरल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है. ये जो फैब्रिक है, मेरे पास प्रिंटेड ऑर्गेंजा है. प्रिंटेड ऑर्गेंजा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जैसे कि वेडिंग सीजन्स में लोग इसको पहनते हैं. और ये आपने देखा होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी आजकल बहुत सारी साड़ियाँ प्रिंटेड ऑर्गेंजा की पहनी हुई हैं. इसको थोड़ा कैरी करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है लेकिन ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है. तो अगर आप साड़ी को अच्छे से कैरी कर पाते हैं तो आप प्रिंटेड ऑर्गेंजा की साड़ी ट्राई कर सकते हैं. और प्रिंटेड ऑर्गेंजा की साड़ी आप किसके साथ ट्राई कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आप ऑर्गेंजा का ही ब्लाउज़ चाहते हैं तो वो आप ऑर्गेंजा का ब्लाउज़ बना सकते हैं. लेकिन इसके साथ आप रॉ सिल्क को ट्राई कर सकते हैं. हम इस ऑर्गेंजा को कैरी कर सकते हैं, ऑर्गेंजा को आप ब्रोकेड और सीक्वेंस के साथ कैरी कर सकते हैं. जैसे कि आप डमी में देख सकते हो कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस की ड्रेस बनाई है जिसमें हमने प्लीट्स के साथ इस ड्रेस को बनाया है. तो जब भी कोई प्लीट्स वाली ड्रेस बनानी होती है तो मोस्टली लोग ऑर्गेंजा यूज़ करते हैं. जितनी भी वेडिंग की ड्रेसेस होती हैं उसमें आपको एक प्रॉपर प्लीट्स चाहिए होती हैं जिसमें आपको ऐसे खड़ी हुई वाली प्लीट्स चाहिए होती हैं, तो लोग मोस्टली उसके लिए ऑर्गेंजा यूज़ करते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कस्टमर का होता है कि ऑर्गेंजा को कैसे पता करें कि कौन सा ऑर्गेंजा सबसे अच्छा है. तो जो सबसे अच्छा ऑर्गेंजा होता है वो होता है सिल्क ऑर्गेंजा, क्योंकि वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और वो सिल्क से बना होता है, उसमें कोई नायलॉन या पॉलिस्टर नहीं होता. तो इसलिए सिल्क ऑर्गेंजा सबसे बेस्ट फैब्रिक होता है. जो कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा ऑर्गेंजा अच्छा है और कौन सा नहीं, तो उसको होल्स पर इंच से देखा जाता है. जितने होल्स ज़्यादा होते हैं पर इंच में उतना ज़्यादा ऑर्गेंजा अच्छा होता है. अब बात आती है कि ऑर्गेंजा को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए. जब आप ऑर्गेंजा को बाकी फैब्रिक्स के साथ देखते हो तो आपको सिमिलर ही लगता है, लाइक जैसे कि ये सिल्क ऑर्गेंजा है, सिल्क ऑर्गेंजा और पॉली ऑर्गेंजा. आप बहुत मुश्किल से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे सिल्क ऑर्गेंजा, कौन सा सिल्क ऑर्गेंजा है और कौन सा पॉली ऑर्गेंजा है. तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि सिल्क ऑर्गेंजा बहुत ही सॉफ्ट होता है और अगर हम पॉली ऑर्गेंजा की बात करें तो पॉली ऑर्गेंजा थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है. तो ये आप, ये पॉली ऑर्गेंजा जो मैंने ड्रेस बनाया हुआ है वो पॉली ऑर्गेंजा का है, तो ये थोड़ा स्टिफ है और ये मोस्टली ड्रेसेस में यूज़ होता है ताकि आपकी ड्रेस को एक प्रॉपर प्लीट्स प्रोवाइड कर सके. और अगर मैं इसकी बात करूँ ये आपकी साड़ी के लिए परफेक्ट होगा कि क्योंकि आपकी साड़ी में आपको प्लीट्स के साथ साथ आपको उसे कैरी भी करना होगा, तो आपके इसके लिए सिल्क ऑर्गेंजा एक बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कस्टमर का होता है वो ये पूछते हैं कि ड्रेस के लिए वो कौन सा फैब्रिक यूज़ करें, ऑर्गेंजा यूज़ करें या फिर शिफॉन यूज़ करें. तो अगर उनको किसी भी ड्रेस में इस तरीके की प्रॉपर प्लीट्स बनानी है जो कि ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी हों, तो उसके लिए वो ऑर्गेंजा ही यूज़ करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि शिफॉन बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है. आप इसकी प्लीट्स नहीं बना सकते इतनी प्रॉपर अगर आपको ऐसे खड़े वाली बनानी है, तो आप इसकी साड़ी बहुत अच्छी बना सकते हो. अब बहुत सारे कस्टमर इस बात से कन्फ्यूज होते हैं कि वो टिशू और ऑर्गेंजा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कि जब वो मार्केट जाते हैं तो वो ऑर्गेंजा की जगह टिशू उठा लाते हैं. तो ऑर्गेंजा और टिशू में सिर्फ यही डिफरेंस है कि टिशू बहुत ज़्यादा हार्ड है. अगर ऑर्गेंजा की कंपेयर में देखें तो ये बहुत पेपर जैसे पेपर होता है ना, वैसे ही सी फीलिंग देता है. तो आप ऑर्गेंजा और टिशू को दोनों को अगर हाथ में रखोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ऑर्गेंजा बहुत सॉफ्ट है और टिशू हार्ड है उसके कंपेयर. बहुत सारे कस्टमर्स का ये भी था कि हमें ऑर्गेंजा और ऑर्गेंडी में डिफरेंस बताइए. तो ऑर्गेंजा और ऑर्गेंडी दोनों डिफरेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं. तो जो ऑर्गेंजा है, अगर आप ऑर्गेंजा को देखोगे तो वो सॉफ्ट है और जो ऑर्गेंडी है वो कॉटन का बना होता है. जो ऑर्गेंजा है वो सिल्क, नायलॉन, विस्कोस इन सब का बना होता है, लेकिन जो ऑर्गेंडी है वो कॉटन का बना होता है, वो भी शीर है
जो मोस्टली ऑर्गेंडी होता है वो कॉलर कफ में यूज होता है। अब मेरे पास कुछ डिजाइन हैं जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेंजा को साड़ी में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि करीना कपूर ने इस ड्रेस में इसको एज अ साड़ी पहना है ऑर्गेंजा को। ये प्रिंटेड ऑर्गेंजा है तो डिजिटल प्रिंट में ऑर्गेंजा को उसने पहना हुआ है। तो आप इसको किसी के साथ भी, आप इसको साटन के साथ कैरी कर सकते हो, आप इसको ब्रोकेड के साथ कैरी कर सकते हो, आप इसको कैरी कर सकते हो रॉ सिल्क के साथ, ब्रोकेड के साथ और साटन के साथ। तो आप इन तीनों में से कोई भी फैब्रिक चूज़ कर सकते हो जिसके साथ आप ऑर्गेंजा को ईजिली कैरी कर सकते हो। और ये आपको मार्केट में ईजिली प्रिंटेड ऑर्गेंजा मिल जाएगा, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है तो आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और आप इसको साड़ी की तरह इसको पहन सकते हो। अब मैंने जो दूसरी पिक्चर ली है वो है दुपट्टे की। तो आप ऑर्गेंजा के दुपट्टे लोग आजकल ज़्यादा कैरी करते हैं कि आप इसको अपने अगर रॉ सिल्क का सूट बनवाया है या फिर आपने कुछ भी साटन का बनवाया है या ब्रोकेड का बनवाया है तो आपको कुछ शाइनी सा या फिर कुछ प्रिंटेड सा चाहिए होगा, तो उसके लिए आप ऑर्गेंजा को यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैरी करना, लेकिन ये आपके ड्रेस को एक बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड करता है अगर आप इसके साथ इसको कैरी करते हो। तो थर्ड पिक्चर जो मैंने ली है वो है ऑर्गेंजा सूट की। तो आप ऑर्गेंजा को सूट की तरह भी कैरी कर सकते हो जिसमें आप ऑर्गेंजा का ऊपर का टॉप बना सकते हो और नीचे आपको कुछ साटन का या फिर ऐसा कुछ कैरी करना होगा। अगर आप ऑर्गेंजा का कैरी करना चाहते हो तो आपको इनर लाइनिंग लगवा के वो आप उसको भी कैरी कर सकते हो। इस वाली पिक्चर में मैंने ऑर्गेंजा का टॉप लिया है। तो आप इस तरीके की बलून शेप की स्लीव्स बनवा सकते हो ऑर्गेंजा में, आजकल काफ़ी इन थी मार्केट में। रफल टॉप्स आप बनवा सकते हो और अगर आप थिन हैं तो आप ऑर्गेंजा की टॉप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो विद डिफरेंट फैब्रिक्स। अब बात करते हैं ऑर्गेंजा के ड्रेसेस की। तो मोस्टली वेस्ट साइड में वेडिंग्स में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उनकी जो वेडिंग की ड्रेस होती है उसको बनाने के लिए, क्योंकि उसमें उनको एक प्रॉपर इस तरीके की प्लीट्स चाहिए होती हैं ड्रेसेस में। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेंजा यूज़ होता है क्योंकि वो आपकी ड्रेस को एक बाउंसी लुक प्रोवाइड करता है और उनको थोड़ा सा फ्लोई भी होता है। और आप इस तरीके के उसमें फ्लावर्स बना सकते हैं, आप उसको सीक्वेंस के साथ पेयर अप कर सकते हैं। तो ऑर्गेंजा एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मोस्टली ऑर्गेंजा को ओवरले के लिए यूज़ किया जाता है तो आप उसको ओवरले के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेंजा को हम ऐसे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ऑर्गेंजा को हम गिफ्ट्स रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो हम इस तरीके से गिफ्ट रैप कर सकते हैं ऑर्गेंजा फैब्रिक का। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑर्गेंजा फैब्रिक है तो आप उसको स्टोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही शीर होता है। तो इसको रखने का एक तरीका होता है कि अगर आप इसको अपनी अलमीरा में रख रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि इसके साथ आप जो फैब्रिक रख रहे हैं या फिर जो भी ड्रेस रख रहे हैं तो उसमें कोई हुक ना हो या बटन ना हो, क्योंकि ये उसमें लगते ही इसके फटने के चांसेस या इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ऑर्गेंजा के फैब्रिक को, ऑर्गेंजा की अगर आपकी कोई ड्रेस है तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको कवर करके रखें ताकि वो बाकी किसी ड्रेस के साथ ना उलझे और ये उसको ख़राब ना करे, कोई और ड्रेस इसको ख़राब ना करे, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट फैब्रिक होता है। अब बात करते हैं इसकी वॉश केयर की। तो पॉली ऑर्गेंजा को आप इजीली वॉश कर सकते हो मशीन में, और लेकिन जो आपका सिल्क ऑर्गेंजा है आप कोशिश करो कि उसको आप ड्राई क्लीन के लिए दो, क्योंकि बहुत डेलिकेट फैब्रिक होता है और उसके डैमेज होने के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेंजा की आयरन की। तो इसको किस तरीके से आयरन किया जाए, तो आप इसको सिर्फ स्टीम प्रेस ही कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट आयरन नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक है, अगर आपने लगा दिया तो ये पूरा जल जाएगा। तो आपको इसको स्टीम प्रेस ही करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर उसका चाहते हैं और वो नहीं मिलता मार्केट में, बहुत बार ऐसा होता है, तो आप उसको कलर करा सकते हो, जो सिल्क ऑर्गेंजा है उसको आप कलर करा सकते हो अपने हिसाब से। होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो अबाउट ऑर्गेंजा। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस फैब्रिक के ऊपर बनाऊँ। और आपको अगर कोई भी ऑर्गेंजा फैब्रिक चाहिए तो आप चारू की वेबसाइट पे जाकर ऑर्गेंजा फैब्रिक ले सकते हो, या फिर आप हमें +9199711062 00 पर मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू।